तो मैं इनका बैंड बजाता हूं और आपको जो जो ऐसे निकम्मे नालायक और निगेटिव लोग हैं, वी आर कमिंग हियर फॉर टू गेट इट डन, हम काम करने के लिए आए हैं, हम लोग दुनिया भर की बातों को जोड़ जोड़ के केसेस बनाने के लिए और डिले करने के लिए नहीं आए। और मंत्री ने बार बार समझाने के बाद भी अगर अकल नहीं आती तो इनको निकाल के बाहर फेंकना चाहिए। Honorable Union Minister Shri Nitin Gadkari today. Building is constructed in the plot area of 6,086 square meter, with cost of construction in phase 2 around 98 crore and total construction cost of around rupees 135 crore. This building has G+7 floor with 2 basement. There is seating capacity of 400 officials and parking space for 225 cars. कोई भी काम पूरा होने के बाद उनका सबका अभिनंदन और शुभेच्छाएं देने की प्रथा है, पर मुझे संकोच हो रहा है कि मैं आपका अभिनंदन कैसे करूं, क्योंकि 2008 में तय हुआ था कि इस प्रकार से बिल्डिंग बनेगी, 2011 में इसको टेंडर अवार्ड हुआ और ये 250 करोड़ का काम 9 साल के बाद आज पूरा हुआ। इस काम को पूरा देखने के लिए 2 सरकारें और 8 चेयरमैन लगे और उसके बाद में ये काम आज पूरा हुआ है। तो वर्तमान चेयरमैन और मेंबर बेचारे, उनका कोई इसके साथ संबंध नहीं है, पर जिन महान हस्तियों ने 2011 से लेकर 2020 तक इस पे काम किया है, उनके संभव हुआ तो चेयरमैन साहब उन सब CGM और GM इनके फोटो एक बार इस ऑफिस में जरूर लगा देना कि जिन्होंने 9 साल इस काम को केवल निर्णय न करने के कारण देरी की और इसके लिए उन्होंने जो 9 साल की देरी की, कम से कम उनका इतिहास भी सामने आए। आप और हम गौरव से कहते हैं कि दिल्ली मुंबई हाईवे अब हम 2 साल में पूरा करेंगे, 81,001 लाख करोड़ का। तो 1 लाख करोड़ के काम के लिए हमने 3 साल 3.5 साल अगर लगेंगे और ये 200 करोड़ के काम के लिए हमने 10 साल लगाए, तो ये कहीं ना कहीं अभिनंदन करने वाली बात तो नहीं है। मैं आपके लिए तो कुछ कहूँगा नहीं, पर मुझे इस बात की शर्म आती है, इतना आपके सामने जरूर कहूँगा। पर इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि जो विकृत विचार रखने वाले लोग हैं, जिन्होंने NHI में निर्णय नहीं करना और निर्णय करना तो काम करने के बजाय कॉम्प्लिकेशंस पैदा करना, तो ये भी 13-13 साल से 12 साल से चिपके हुए हैं और मालूम नहीं जो भी चेयरमैन और मेंबर आता है उसके गाइड एंड फिलोसोफर वही लोग बनते हैं जो पूरी तरह से निगेटिव है और विकृत है। उनकी ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के बारे में डाउट नहीं है, पर उनकी विचारधारा टोटली विषकन्या जैसी है और ऐसे विकृत लोगों को आज भी गाइड एंड फिलोसोफर के रूप में ऊपर से लेकर नीचे तक सभी लोग क्यों यूज करते हैं, इसका मेरे मन में बड़ा आश्चर्य लगता है। और ये CGM और GM के आपके जो परंपरा है वो कितनी निकम्मी है, कितनी नालायक है, इसका उदाहरण ये बिल्डिंग के डिले में हुआ है। और इसलिए मैं वर्तमान चेयरमैन को इस बात के लिए अभिनंदन करूंगा, धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 8वें वो भाग्यवान चेयरमैन है कि उन्होंने कम से कम इस काम को पूरा किया है। वो जो 7 चेयरमैन गए उनका दोष के कारण उनको मैं कोई टिप्पणी उनके ऊपर करूंगा नहीं, ना उनका कोई दोष है, और आलोक कुमार जी पर नहीं करूंगा, पर एक बार उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि इसकी हिस्ट्री 11 साल की वो बराबर लिखकर एक किताब तैयार करिए और जिन्होंने डिले किया उनके फोटो भी लगा दीजिए वहां, जिन्होंने निर्णय नहीं किए, डिले किया, इतने दिन नकारात्मकता रखी उनके रखिए, ताकि ये भी एक केस स्टडी करके जनता की अदालत में जाए, क्योंकि आखिर हम सब लोग, मालिक हमारी जनता है, वी आर द ट्रस्टीज। और इसलिए इस प्रकार के काम करके, और कॉस्ट कितनी बड़ी होगी मालूम नहीं, पर 50-60 करोड़ का तो चूना पक्का लगाया होगा।
सर आपने एक बात बहुत अच्छी की कि हमें बिल्डिंग पर बुक लिखनी चाहिए। सर फैक्ट है हमारे ये पहला प्रोजेक्ट नहीं है जहां हम फेल हुए, ऐसे और भी हाईवे प्रोजेक्ट थे जिसमें हम फेल हुए। सर हमने बुक नहीं लिखी पर उससे हमने लेसन लिए, और ऐसा नहीं हमने अपनी प्रोसेस को ठीक नहीं किया। सर आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा, हम लोग कोशिश करेंगे कि हम आपकी जो इच्छाएं हो उस पर हम खरे उतरें। इतना कहकर मैं सभी लोगों का, अपने सारे साथियों का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।